पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के फटेहाल होने के कारण पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें तो आसमान छू रही थी। अब बाढ़ ने वहां की स्थिति वाकई विकराल कर दी है। हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो तो प्याज 400 रुपए किलो के अविश्वसनीय भाव पर बिक रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत की याद आई है और वो अपने पड़ोसी देश से ये चीज़ें मंगाने पर विचार कर सकता है। बलूचिस्तान और सिंध में आई भयानक बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी सब्जियों और फलों की खेती बर्बाद हो गई है। बाढ़ की वजह से जगह जगह संपर्क टूट गया है, जिससे सप्लाई लाइन खत्म हो गई है। नतीजा ये है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तो आग लगी ही है। खराब होने वाली चीज़ें, मसलन सब्जियों की कीमतें अविश्वसनीय स्तर पर पहुँच चुकी हैं। हाल ये है कि कुछ इलाकों में प्याज 400 रुपए किलो तो टमाटर 500 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ये भाव लाहौर के बाजार के हैं, जहां आलू भी 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि जल्द ही टमाटर 700 रुपए किलो और प्याज 500 रुपए किलो तक बिकने लगेंगे। अफगानिस्तान से सटे तोरखम बॉर्डर से प्याज और टमाटर के कंटेनर आ रहे हैं, लेकिन ये मांग को देखते हुए बहुत ही कम है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है, वहाँ इन चीज़ों की इतनी उपज नहीं है। पाकिस्तान के पास एक दूसरा विकल्प ये है कि वो तप्तान सीमा से ईरान से प्याज टमाटर का आयात करे, लेकिन ईरान सरकार ने इन चीज़ों के निर्यात पर टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिससे ये पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प है और वो है भारत से बाघा सीमा से टमाटर प्याज आयात करे। लेकिन इस रास्ते में पाकिस्तान की अपनी नीतियां आड़े आ रही हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने के भारत के ऐलान के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय आयात पर सीमा शुल्क 100% से ज़्यादा कर दिया था। नतीजतन भारत से पाकिस्तान आयात अव्यवहारिक हो गया। भारत ने भी इसके जवाब में ऐसा ही किया है। नतीजतन 2019 से दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पूरी तरह ठप है। यदि पाकिस्तान भारत से प्याज टमाटर या जरूरत की किसी दूसरी चीज का आयात करना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारतीय आयात पर लगे टैक्स में कटौती करनी होगी। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह की तल्खी है, ये फैसला पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल के लिए घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति भी संकटपूर्ण बनी हुई है। इमरान खान जिस तरह से सरकार और सीमा पर लगातार हमले बोल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ऐसे में सत्तारूढ़ दल के लिए भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना राजनीतिक रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें कि जून में हुई जबरदस्त बारिश के कारण सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। इससे 1,033 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 207 महिलाएँ और 348 बच्चे शामिल हैं। अभी तक 1,500 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।